ये भी बड़ा आपको हेल्प देगा। ये है वो सेंटर पॉइंट जहाँ पे वो अपने वालद से मिलता है। यानी एक बच्चा पैदा हुआ है किसके घर? लियस के घर। लियस बादशाह है थीब का, ठीक है? थीब का बादशाह है लियस, और उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे को देखते ही फॉर्चून टेलर और प्रॉफिट्स और जो भी वहाँ पे ओरेकल्स हैं वो उसके बारे में एक प्रोफेसी देते हैं। दे आर टेलिंग अ फॉर्चून टेलर, वो बताते हैं कि ये जो बेटा है जो पैदा हुआ ये अपने बाप को कत्ल करेगा और माँ के साथ मेट करेगा या उससे शादी कर लेगा, ठीक है? उसके साथ इंसेस्टुअस रिलेशन जो है वो बनाएगा। यानी ऐसा रिलेशन के जो हम अपने यानी जो फिजिकल या जो सेक्सुअल रिलेशन है, जो हमारे खास रिश्ते होते हैं, जैसे बेटे का माँ के साथ या फादर का बेटी के साथ इस तरह के, या बेटी का वालिद के साथ, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इंसेस्टुअस रिलेशन। तो इंसेस्टुअस रिलेशन करेगा तो उसे कहते हैं कि ये एक मतलब इसको किसी तरीके से इसको ख़त्म करना चाहिए, इस बच्चे को एक अजाब है और इसको ख़त्म करना चाहिए। फॉर्चून टेलर उसके बारे में बताते हैं। अब बच्चा बड़ा खूबसूरत है, एक ही बच्चा पैदा हुआ है, उनके यहाँ औलाद भी नहीं है, तो वो मारना तो नहीं चाहते उसको, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं उनको बता चुके हैं। अब लियस अपनी वाइफ से कहता है कि इसके अंगूठे दोनों बांधते हैं, मैं बांध रहा हूँ और तुम इसको कत्ल करवा दो, यानी इसे भेज दो, कैथराइन एक हिल है वहाँ पर भेज दो और इसको कत्ल करवा दो। अब होता यूं है कि वो जो माँ है जुकेस्टा एक शेफर्ड जो उसके यहाँ मैसेंजर है या उसके यहाँ एक मुलाजम है उसको दे देती है। अब वो जो शेफर्ड है वो लेकर उसे जाता है, तो वो अल्टीमेटली उसे वहाँ पे छोड़ आता है, एक हिल कैथराइन हिल के पास छोड़ आता है। और कैथराइन हिल जो है वो अगर देखा जाए तो आप देखें तो कैथराइन हिल जो है वो दोनों को टच करती है। अब ये कैथराइन हिल है, ठीक है? ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है थीब की तरफ, और इस थीब की तरफ हमने अक्सर कॉलोनीज देखी होती हैं, उस कॉलोनी का एक गेट बना होता है। अब इस गेट पे एक बैठी हुई है स्फिंक्स एक बला है, एक मॉन्स्टर है, और ये जो भी स्फिंक्स के अंदर जो भी थीब के अंदर दाखिल होता है या बाहर आता है तो वो उससे क्या पूछती है, मॉन्स्टर क्या पूछता है, एक रिडल पूछता है, पहेली पूछता है कि वो कौन सी चीज़ है, वो पहले चार टांगों पर चलती है, फिर वो दोपहर को वो किस पे चलती है, दो पे चलती है, और शाम को वो कहता है जी इवनिंग टाइम पे या शाम के वक़्त वो तीन पे चलती है। लो जी, अब वो जिससे पूछती उसे ना आता, वो उसे खा जाती। अब ये वहाँ पे अजाब आया हुआ है। अब इसी गेट पे ये बैठी हुई है, जो भी इस थीब सिटी के अंदर या ये जो स्टेट है, ये एक स्टेट ये है और एक स्टेट है इधर कोरिंथ। अब ये दोनों स्टेट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे इसे तीन रास्ते मिलते हैं, यहाँ पे ही उसका मिलाप होता है अपने वालिद के साथ, उसके साथ उसकी लड़ाई होती है, वो उसके हंटर मारता है और उसे गुस्सा आता है और फिर लड़ता है, उसके साथ कोई पांच और भी गार्ड होते हैं वो उनको भी मार देता है, एक दौड़ जाता है उनमें से, और बाकी बादशाह को भी वो कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे उनका मिलाप होता है। अब यहाँ से ये रास्ता जाता है डेल्फिक ओरेकल की तरफ। यहाँ पे अपोलो गॉड जो है कभी गॉड हुआ करता था, और उस गॉड का एक यहाँ पे एक मंदिर है, एक मज़ार है, और उस मज़ार के अंदर एक गायबी आवाज़ आती है जो जाता है वहाँ से अपने मसाइल हल करवा लेता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी दरगाह होती हैं, वहाँ पे पीर तो नहीं होते लेकिन उन पीर के जो आगे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या उनके गद्दी नशीन होते हैं वो संभाले बैठे होते हैं। तो इसके आगे भी वो एक दरबार है उसका, डेल्फिक ओरेकल बना हुआ है, जो वहाँ पे लोग इबादत करते हैं, मानते हैं अपोलो को, अपोलो उनका गॉड है। और एक और गॉड ऑफ गॉड्स भी है, उसे कहते हैं ज़ूस, एक ज़ूस उनका गॉड है जिसे गॉड ऑफ गॉड कहते हैं, एक उनका अपोलो गॉड है। तो ये अपोलो गॉड जो है ये उनकी किस्मत के फैसले करता है, बहुत सारी उनको प्रोफेसीज बताता है। अब यहाँ पे इसका दरबार है। अब एक रास्ता तो यहाँ पे जाता है सीधा डेल्फिक ओरेकल, एक रास्ता अगर वो चाहे तो यहाँ से सीधा वो कोरिंथ से आता है। कोरिंथ से क्यों आता है कि वहाँ पे उसे लोग नहीं जीने देते कि भाई तुम अपनी माँ को से शादी करोगे, बाप को कत्ल करोगे, हर कोई उसे यही बता रहा है। वो यहाँ से परेशान होकर फिर सीधा कहाँ पे आता है, यहाँ इस पॉइंट पे आता है। यहाँ से वो सीधा कहाँ पे आता है,
कि मैं जाके डेल्फिक ओरेकल के पास जाता हूं और यहां से आके पूछूंगा कि मैं कौन हूं, क्यों लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मैं अपनी माँ से शादी करूंगा, फादर को कत्ल करूंगा, क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं कि यहां से जब वो आता है तो उसे गायबी आवाज आती है यहाँ पे अंदर, इस मुक्त के अंदर, इस मंदिर के अंदर से, कि भाई तुम अपनी मदर से शादी करोगे और तुम यहाँ पे अजाब हो और अल्टीमेटली अपने फादर को कत्ल करोगे और मदर से शादी करो, यहां से भी यही आवाज आती है। अब यहां से परेशान होके अगर आप देखें, मैं आपको फिर समझाता हूं, जब ये यहां पे होता है, अच्छा वो बच्चा जो है वो वहां पहाड़ी कैथराइन, ये कैथराइन हिल है, मैंने आपको तीन रास्ते बताए बताए कि एक ये रास्ता किधर जाता है थीब की तरफ, ये रास्ता किधर जा रहा है कोरिंथ सिटी, यानी एक स्टेट ये है स्टेट वन, स्टेट टू दूसरी थीब, ये दोनों स्टेट हैं, उसके लहदा लहदा से किंग हैं उस वक्त, छोटे छोटे रोमन ग्रीक्स जो थे छोटी छोटी स्टेट में बटे हुए थे, जैसे स्पार्टा कबीला है, ट्रॉय कबीला है, थीब था, कोरिंथ था, और भी इस तरह के बड़े बड़े कबीले थे और उनके अलग अलग से किंग थे और वो अपने एक दूसरे के साथ तजारत करते। अब यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों को एक ही पॉइंट लगता है, ये पॉइंट इसको कहते हैं ना, जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये आया, और ये रास्ता सीधा किधर गया, डेल्फिक ओरेकल की तरफ। वहां पहाड़ी के पास बकरियां चराने वाला, वहां पे कोई वाजे नहीं बताया, एक तो वो किसी को आते हुए देखता है तो वहां बच्चा छोड़ देता है, हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि उसने वाजे नहीं बताया कि वो उसको बच्चा देता है या वहां पे छोड़ जाता है, या उसे तरस आ जाता है तो रस्ते में फेंक देता है उसको, या मारता नहीं है। एक वो ये होता है कि कोई जानने वाला है उसका, जो कि कोरिंथ से ताल्लुक रखता है और उसे पता है कि बादशाह के औलाद नहीं है, तो वो उसे कहता है कि यार तुम ये बच्चा ले लो, ये रॉयल ब्लड है, और इसको ऐसा करना कि उस वक्त का जो बादशाह पॉलीबस है, उस पॉलीबस बादशाह को दे देना, मेरोप को दे देना, उसके हाँ बेटा नहीं है, मेरोप जो है ये फीमेल है, किंग पॉलीबस यानी ये वहाँ की ये क्वीन है और ये किंग है, यार तुम अपने बादशाह को ये बच्चा दे देना, ठीक है, चले अल्टीमेटली हम ये फर्ज कर लेते हैं फाइनली कि उसने माउंट कैथरीन के पास किसी चरवाहे को देखा और उसको वो बच्चा दे दिया, ठीक है। अब बच्चा जो पैदा हुआ है थीब के अंदर, पैदा किसके घर हुआ है, इन दोनों के घर, क्वीन जुकेस्टा और किंग लियस के पास। अब यहां से इन्होंने इस बच्चे के अंगूठे बांध दिए और उनसे कहा, जैसे कोई किसी की डेथ होती तो हम उसके अंगूठे बांध देते हैं कि बस इसके थम्स जो है उसे बांध दोगे, तो बांध दो, कहता है जी इसे मार दो, यानी वो ऑर्डर दे देता है, वो उसे चरवाहे को दे जाके उसे कैथरीन हिल वहां से कहीं गिरा देना, मार देना, कत्ल कर देना। उसे तरस आ जाता है, बच्चा बड़ा खूबसूरत होता है, रॉयल ब्लड होता है।